Hello, welcome to BeingBored.com. Today we are going to study game theory 2x2 game without saddle point. मतलब अभी इसके पहले वाले इस वीडियो में हमने देखा था कि saddle point अगर exist करता है तो game solve कैसे करते हैं, अगर saddle point exist नहीं करेगा तो उसमें भी पहले हम देखेंगे 2x2 game को solve कैसे करते हैं, ठीक है? तो देखिए 2x2 game को solve करना without saddle point, तो ये जो game है ये कौन सी strategy में आएगा? Mixed strategy के अंदर आएगा, जिसमें क्या होगा, मिक्स स्ट्रेटजी के अंदर क्या होगा कि आपको प्योर स्ट्रेटजी के साथ कुछ फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी दे के रखेंगे अलग अलग प्लेयर की स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो इस टाइप की जो स्ट्रेटजी रहती है जिसमें स्ट्रेटजी के साथ क्या दी रहेगी, फिक्स प्रोबेबिलिटी दी रहेगी, तो उसको बोलते हैं हम मिक्स स्ट्रेटजी, ठीक है? अब देखो हम क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर समझते हैं 2x2 गेम को सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको पे ऑफ मैट्रिक्स भी देखे नहीं रखा है, आपको बनाना पड़ेगा। अज्यूम क्या करेंगे हम कि प्लेयर है क्या है यहाँ पे गेनर है और प्लेयर भी क्या है लूजर है। तो क्वेश्चन आपको बोला है कि मैचिंग कॉइन का गेम है जिसमें दो प्लेयर है, सपोज ए विन वन यूनिट ऑफ वैल्यू व्हेन देयर आर टू हेड, मतलब जब दो हेड आएंगे तो कौन जीतेगा, ए जीतेगा, कितनी वैल्यू, एक वैल्यू, ठीक है? एंड विन नथिंग व्हेन देयर आर टू टेल, मतलब दोनों प्लेयर के पास जब टेल टेल आएगा तो ए कुछ भी नहीं जीतेगा, जीरो। And loss 1/2 unit of value when there are one head and one tail. और कितना loss करेगा? 1/2 unit कब? जब एक head हो, एक tail आएगा। तो हमें क्या बनाना है? सबसे पहले payoff matrix, उसके बाद बनाना है best strategy for each player और value of game. तो देखिए payoff matrix कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसमें कि अगर हम बात करें player A की, तो player के पास दो coin हो गए, एक head हो गया, तो उस coin एक coin हो गया और उस coin के दो अलग अलग साइड लाइन हेड और टेल। सिमिलरली प्लेयर बी के पास जो कॉइन है उस पे भी हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक है? अब बोला क्या आपको यहाँ पे, ए विंस वन यूनिट ऑफ वैल्यू व्हेन देयर आर टू हेड, जब दो हेड आएंगे तो ए जीतेगा एक यूनिट। तो यहाँ पे कितना जाएगा, जब दो हेड आएंगे तो इसके इंटरसेक्शन पे कितना आएगा, वन यूनिट, ठीक है? ए जीत गया इसके प्लस, विन नथिंग व्हेन देयर आर टू टेल, जब दो टेल आएंगे तो कुछ भी नहीं जीतेगा, तो दो टेल आ रहे इसके इंटरसेक्शन पे जीरो आ जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट, फिर क्या बोला है, एंड लॉस 1/2 यूनिट्स ऑफ वैल्यूज व्हेन देयर आर वन हेड एंड वन टेल, तो वन हेड वन टेल आ रहा है तो कितना हार रहा है वो, 1/2 यूनिट हार रहा है। अब प्लेयर ये हार रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे साइन आपका माइनस का 1/2, ठीक है? सिमिलरली वन हेड और वन टेल आ रहा है तो भी प्लेयर क्या हो रहा है, यहां पे हार रहा है, तो साइन कितना आएगा, माइनस का 1/2, मतलब वन हेड और वन टेल आया तो कितनी यूनिट लॉस कर रहा है वो, 1/2 यूनिट लॉस कर रहा है। किसको लॉस कर रहा है, बी को, ठीक है? अब ए हार रहा है इसलिए साइन भी सारे यहां पे नेगेटिव आएगा। तो ये जो पे ऑफ बनता है ए के लिए बनता है, ए रहता है गेनर, बी रहता है लूजर, ठीक? अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड को बोलते हैं हम अरिथमेटिक मेथड, इसको बोलेंगे अरिथमेटिक मेथड, ठीक है? या ऑडमेंट मेथड। तो अब देखिए इसमें सॉल्व कैसे करना रहेगा, ऑडमेंट या अरिथमेटिक मेथड के अंदर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे ऑड्स, क्योंकि यहाँ पे ऑड्स इसलिए फाइंड करेंगे कि जिससे कि हमें पता कर सके कि किसी भी स्ट्रेटजी के सिलेक्ट होने के चांस कितने रहेंगे, ठीक है? बट उसके पहले हमें सोच रहे होंगे कि गेम विदाउट सेडल पॉइंट है, तो पहले हम सेडल पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ी पता लगेगा गेम विदाउट सेडल पॉइंट क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना रहेगा, उसमें सबसे पहले सेडल पॉइंट चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? तो सेडल पॉइंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, हर एक रो में निकालेंगे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि प्लेयर एक गेनर है तो हर एक रो की मिनिमम वैल्यू क्या शो करेगी, प्लेयर का मिनिमम गेन शो करेगी। तो पहली रो में मिनिमम कितना रहा, 1/2, सेकंड रो में मिनिमम कितना रहा है, 1/2, ठीक है? और इस पे सब मैक्सिमम देखें तो कितना रहा है वो, 1/2 माइनस का 1/2 मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है? तो ये वैल्यू क्या होगी, मैक्स किस में से, मिनिमम में से, ठीक? अब नेक्स्ट, प्लेयर भी क्या है यहाँ पे, लूजर है, तो प्लेयर भी क्या चाहेगा, अपने लॉस को क्या करना चाहेगा, वो मिनिमाइज करना चाहेगा, जो उसका मैक्सिमम लॉस उसको मिनिमाइज करना चाहेगा। तो कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू को शो कर रही है, प्लेयर बी का मैक्सिमम लॉस इधर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इन दोनों में से अगर हम देखें मिनिमम क्या आ रहा है, तो देखिए जीरो आ रहा है मिनिमम, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, मीन मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम में से मिनिमम, ठीक है? मतलब प्लेयर बी का जो मैक्सिमम लॉस है उसमें से मिनिमम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब मैक्सिमम और मीन मैक्स दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब गेम में कोई सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही, नो सेडल पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे अरिथमेटिक मेथड या ऑडमेंट वाली मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए ऑडमेंट वाली मेथड में सबसे पहले हम यहां पे ऑड्स फाइंड करेंगे, ऑड्स का मतलब वेरियस चांसेस फॉर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो देखिए कैसे फाइंड करना, ऑड आपको करना रहेगा सेकंड रो का डिफरेंस निकालना है
और उसको लिखना है फर्स्ट रो के सामने साइन को इग्नोर करके, क्योंकि ऑड कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, है ना, चांसेस कभी नेगेटिव नहीं होंगे। तो कितना है यहाँ पे -1/2 -0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 आएगा, बट साइन इग्नोर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली फर्स्ट रो का डिफरेंस निकालना है और लिखना था आपको सेकंड रो के सामने, तो कितना आएगा 1 -1/2 होगा स्टेप से। तो 1 में क्या करा मैंने, माइनस करा -1/2, तो ये 1 + 1/2 होगा, दैट इज कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट, अब क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे इसके लिए। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर, ए के लिए प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए P1 और सेकंड के लिए क्या होगा P2। तो देखिए ऑड कितना अपना 1/2 आ रहा है, 1/2 मतलब 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5, यस, तो चलो 1/2 लिख लो, 1/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा टोटल ऑड। अब इन दोनों ऑड का सम कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 + 3/2, तो ऊपर तो 1/2 आ रहा है, डिनोमिनेटर कितना आएगा 1/2 + 3/2, दैट इज हो जाएगा 4/2, तो 4/2 कितना हो जाता है 4/2, दैट इज 2 हो जाएगा। तो यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, ये 1/4। आप चाहो तो 0.5 लिख सकते हो, इसको 1.5 लिख सकते हो, तो कितना होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 + 1.5, ठीक है। तो यहां पे कितना जाएगा, ये 0.5 को डिवाइड करना है किससे आपको, 0.5 + 1.5, मतलब 0.5 डिवाइड होगी इससे 2 से, ठीक है, तो आ जाएगा अपना 1/4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे P2 निकालना है, तो देखिए इसको पॉइंट्स करके देखते हैं अपन, ये 3/2 है, दैट इज ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1/2 + 3/2, टोटल ऑर्डर का सम, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 मतलब 0.5, ये लिखा सेम 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 डिवाइड किससे होगा 2 से, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, गलती नहीं करिए अपने, ठीक है, 1/4 + 3/4 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली अब हम बात करेंगे प्लेयर बी के ऑड्स की, तो प्लेयर बी का जो ऑड्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले कॉलम का डिफरेंस निकालना, उसको लिखना सेकंड कॉलम के सामने, तो पहले कॉलम का डिफरेंस क्या आएगा 1 - -1/2, तो 1 में से माइनस करना -1/2, ये भी का सेम, तो कितना आ जाएगा ये 3/2 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड कॉलम का डिफरेंस निकालना है, उसको लिखना है पहले कॉलम के सामने साइन को इग्नोर करके, तो कितना आएगा ये -1/2 - 0, दैट इज कितना आएगा ये +1/2। ठीक है, अब मुझे प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी की जो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी यहाँ पे Q1 आएगी, तो वही लॉजिक लगाना है सेम आपको, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये 1/2 मतलब क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय क्या होगा टोटल ऑड्स, तो टोटल ऑड्स कितने होंगे 1/2 मतलब दैट इज 0.5 और 3/2 मतलब 1.5, तो ये 0.5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 1/4। सिमिलरली सेकंड स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी Q2, तो टोटल ऑर्डर कितने हैं, सॉरी फेवरेबल ऑर्डर कितना है 3/2, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर का सम, तो कितना होगा ये 0.5 + 1.5। ठीक, तो Q2 कितना आ जाएगा यहां पे, जो 1.5 डिवाइड ओवर 2 से, दैट इज ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ गेम निकालना है, तो वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के लिए वी इक्वल्स कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ गेम, ये जो पहला पे ऑफ है इसका मल्टीप्लाई करना 1/2 में, मतलब 1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे 1/2 में, प्लस ये -1/2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 3/2 में, तो ये हो जाएगा -1/2 × 3/2 और डिवाइड किससे होगा टोटल ऑड से, दैट इज 1/2 + 3/2, तो 1/2 + 3/2 मतलब इसको हम वही लिखते हैं 0.5 + 1.5, तो देखिए 1 का इनटू 1/2 में अगर हम दैट इज कितना होगा 1/2 बचेगा, 1/2 मतलब 0.5 बचेगा, अब ये -1/2 ये 3/2 है, तो 3/2 मतलब 1.5 और ये हो जाएगा 0.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा माइनस का 0.75 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.75, ठीक है, और डिवाइड किससे होगा ये 0.5 + 1.5, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 से, तो 0.5 में से अगर -0.75 तो कितना बचेगा ये माइनस का 0.25 और डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 0.25 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे
तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू माइनस का 1/8, तो ये क्या हो गया हमारी वैल्यू ऑफ गेम आ गई। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, दोनों प्लेयर की ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ऑफ गेम आ गया। अब ऑप्टिमल स्ट्रेटजी लिखने के लिए क्या करना है आपको, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। तो देखिए अगर हम प्लेयर ए की बात करें तो जो प्लेयर ए रहेगा उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी किस लिखेंगे हम, यहाँ पे हेड है यहाँ पे टेल है, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है यहाँ पे 1/4 आ रही है, ये ऑप्टिमल हो गया, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 3/4 आ रही है, 75% ये ऑप्टिमल है। ऐसे प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हेड और टेल आ रही है, तो क्या आएगी प्लेयर बी के लिए 1/4 ही सेम आएगी, 1/4 और 3/4। ठीक है, तो ये आगे ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज, और ये मिल गया हमें वैल्यू ऑफ गेम आ गए 2x2 गेम के लिए। तो इस स्टेप से आप 2x2 गेम को सॉल्व कर सकते हो अरिथमेटिक मेथड या ऑडमेंट मेथड से, या सो मैट्रिक्स ऑडमेंट मेथड ही बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट आए, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।